सल्लू और उसकी माँ आई है फरीदा का रिश्ता लेकर, और सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यह है कि रजा हमारे बेटे ने उन्हें यहाँ बुलाया है। उसके घुटने से लगा बैठे, इतना होश नहीं है कि आकर माँ का हाल पूछ ले। आप सगे बेटे हैं उनके, आपके साथ क्यों कर रही है वो ऐसा? दफ्तर से इमरान साहब का फोन था, कह रहे थे कि अजहर की तबीयत खराब होगी, उनको अस्पताल लेके चले गए। मैं जैन की बीवी हूँ, उन पर हक है मेरा। जैन का आंख नामा तैयार करवा लिया है मैंने, मैं उसको अपनी जायदाद से आग कर रही हूँ। हेलो हेलो, सल्लू बात कर रहे हैं जी? कौन बात कर रहे हैं? मैं रजा, निदा का भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? जिस दुकान के बाहर तुम स्टॉल लगाते हो उन्हीं से लिए। हुक्म कीजिए, क्या मेरे लिए क्या खिदमत? दरअसल तुमसे मिलना चाहता था। खैरियत? तुम्हारे और निदा के बारे में बात करनी थी। जी बिल्कुल, मिलता हूँ आपसे। कहाँ मिल रहा हूँ? अगर नायाब मैडम के बारे में पता चल गया कि उन्हें सब कुछ मैंने बताया था तो? क्या सोच रहे हो जहन? वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। मॉम, ये दूसरी शादी करवा के आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आखिरकार आपने अपनी जिद पूरी कर ही ली। अच्छा जाओ, चलो चलो, शाबाश। नहीं, उन्हें किसी चीज पे कोई एतराज नहीं है, जुमे को निकाह करना चाह रहे हैं वो। निकाह? ये कब आई है यहां? चलो अच्छा है कि तुम भी यही हो। इस जुमे को जैन की दुल्हन ला रही हूं। जो कुछ आप करना चाह रही हैं ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? मैं ये बात जैन को बहुत पहले बता चुकी हूं और अब आपको भी बता रही हूं। अगर आपने जैन का निकाह कराने की कोशिश की तो मैं अपने घर वालों, ऑफिस वालों, खानदान वालों सबको यहां जमा कर गवाह बनाकर अपनी जान दे दूंगी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। शांत कैसे? तुम्हें अपनी जान देनी है, दे दो, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रही हूं। इस घर का वारिस मांग रही हूं तुमसे, अपने बेटे की औलाद मांग रही हूं तुमसे। क्या गलत है उसमें? हक है ये मेरा। और मैं बीवी हूं जैन की तो? और बीवी होने के नाते मेरा भी कुछ हक है। और आप जबरदस्ती इनकी दूसरी शादी नहीं करवा सकती। जैन, आप बोले इन्हें बताएं कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे, कहें। ये शांति बात तो। क्या हक है तुम्हारा बीवी के नाते? आपने कहा था कि आप साथ देंगे मेरा। तुम बगैर औलाद के सारी जिंदगी इस आदमी की जिंदगी खराब करोगी, मेरी जिंदगी खराब करोगी। जैन, बोले इनसे, कहें इनको कि आप ये निकाह नहीं करेंगे। आपने कहा था ना कि साथ देंगे आप मेरा, तो कहें आप, स्टैंड ले मेरे लिए। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हारी मर्जी। मैंने कह दिया था जैन को कि अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। ये सारी जिंदगी ऐसे ही आपको कंट्रोल करती रही है, अब आपको मेरे लिए स्टैंड लेना होगा। आप इनको बताएं कि आप ये शादी नहीं करेंगे। नहीं करेगा, अब नहीं, वो ही करेगा जो मैं कहूंगी। बेटा है मेरा, आज तक मेरे आगे से नहीं बोला, आज कैसे बोलेगा? मैं अब तक आपकी वजह से इस घर में रुकी रही हूँ। मैं बहुत पहले छोड़कर जा सकती थी जैन, लेकिन मैं आपके साथ रही। अब आपको भी मेरा साथ देना होगा। बताएं इनको आप शादी नहीं करेंगे। बताओ इसे जैन, बता दो।
तुम्हारा। मैं आपसे बात कर रही हूँ। जवाब दो इसे। कहें इनसे कि आप शादी नहीं करेंगे। नहीं रहो। बात है। प्लीज। कैसे जानते हो तुम नायाब को? और ये चेक क्यों दिया उसने तुम्हें? नायाब मैडम ने चेक इसलिए दिया है मुझे कि मैं कारोबार शुरू कर सकूं, ताकि आइंदा जिंदगी में निदा का ख्याल रख सकूं, उसे तमाम सहूलियात फराहम कर सकूं। और तुम्हारी मुलाकात कब हुई उससे? और इतनी अच्छी जान पहचान होगी कि वो इस तरह तुम्हें चेक दे रही है? रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी जब मैं निदा बैठे हुए। और इसके अलावा भी इस तरह की मुलाकातें हुई हैं? और दूसरी दफा कब मिले? सल्लू, मुझे बताओ तुम दूसरी दफा कब और क्यों मिले उससे? मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, बताओ। भाई, आपके घर में आपके वालदैन ने निदा का जीना हराम किया हुआ। उसके ज़हन में मुसलसल इस बात को भरने की कोशिश कर रहे थे कि वो मुझसे बेहतर लड़के से उसकी शादी कर दे। सब मुझे निदा ने बताया। भाई, नायाब वाकई बहुत मासूम थी, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। काश मैं तुम्हारी तरह खड़ा हो सच्चा लड़का। मतलब ये कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि मुझे बहुत खुशी है। जो तुमने किया वो बहुत बहादुरी का काम है। मतलब पहले नहीं था, सच बोलना उसी से सीखा, वो भी तब जब वो मुझे छोड़ के चले गए। अगर वो मेरी जिंदगी में ना आती, मुझसे मोहब्बत ना करती, शायद मुझे इस तरह छोड़ के ना जाती, तो मैं इस तरह ना पतला हुआ इंसान ना बैठा होता तुम्हारे साथ। मतलब उसकी मोहब्बत ने बदल के रख दिया मुझे, और आज तो बहुत खुशी हो रही है कि उसकी वजह से मुझे एक बहुत ही अच्छा और सच्चा दोस्त मिला। भाई, जमीर का बोझ इंसान के लिए संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो बोझ उतरता है तो इंसान खुद को बहुत हल्का और बहुत खुश महसूस करता है। और यकीन जाने कि आप उससे ज्यादा सच्चे और ईमानदार। और मुझे बहुत खुशी है कि उसकी वजह से मुझे एक बहुत ही अच्छा और सच्चा दोस्त मिला। लेकिन दोस्ती में अब एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। मैं कौन करें बात? सलू, तुम्हें ये चेक नायाब को हर हाल में वापस देना होगा। निदा से शादी करने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी तरबियत हमारे लिए बहुत है। निदा की नाराजगी की वजह ये चीज थी, तुम यह वापस कर दोगे? तो अब ये बताओ कि अपने घर वालों को लेके हमारे पास कब आए? भाई, बचपन में मेरे वालिद फौत हो गए थे, तो मम्मी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया और थोड़ी बहुत तालीम भी उन्होंने मुझे हासिल करवाई। मेरा अपना तो कुछ नहीं सिवाय घर और माँ के। मम्मी को लेके आओ। तुम्हारा बहुत इंतजार रहेगा, बेफिक्र रहो, निदा तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। किसी को तो उसकी मोहब्बत में। आप ये आया मैडम के घर? ये लिफाफा उन्हें देना। क्या है इसमें? तुम कौन हो? ये उन तक पहुंचा दीजिएगा। जहां तक रह गई मेरी बात, उनकी सहेली का भाई है। नाम क्या है तुम्हारा? वो रहने दीजिए, शुक्रिया। ये नायाब बीबी के लिए कोई लड़का देकर गया है। अच्छा, कौन था? आपने पूछा नहीं उससे? नहीं। चलें, मैं उसको दे देती हूँ। नायाब, ये तुम्हारे लिए लेटर आया है। संदू,
कौन है ये सल्लू और तुमने इसे अपना चेक क्यों दिया था जो ये वापस करके गया है? नहीं कुछ नहीं, बस किसी की हेल्प की थी, रिटर्न कर दिया। अम्मी भाई की कॉल आ रही है, दिखा इधर। हाँ रजा, सब खैरियत है? जी जी अम्मी, सब ठीक है। 5:30 बजे कुछ मेहमान आएंगे। मेहमान? कौन मेहमान? निदा को देखने एक अच्छी सी फैमिली आ रही है, आप बस ड्राइंग रूम अच्छे से साफ कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सारे इंतजाम करा लूंगी, लेकिन मुझे ये बता तू कब आएगा। अरे मेरा अभी कुछ कंफर्म नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा अम्मी मुझे अब काम के लिए निकलना है, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अम्मी क्या कह रहे थे भाई? शाम को रिश्ते वाले आ रहे हैं कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए, तैयार हो जाना तुम भी। लगता है आप लोगों को एक बार कही बात मेरी समझ नहीं आ रही। मैं कोई तैयार नहीं होंगी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे कोई तैयार व्यार नहीं होना। अरे बेवकूफ, पहले वाली फैमिली जैसे लोग नहीं होंगे, ये अच्छे लोग होंगे। रजा रिश्ता ला रहा है तो अच्छे ही लोग होंगे ना, यकीनन अमीर खाते पीते लोग। पागल कहीं की भाड़ में गई आपकी और भाई की अमीर और अच्छी फैमिली। मुझे कोई शादी नहीं करनी और ना मैं किसी के सामने आऊंगी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर आखिरी बार बता रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ये क्या हरकत की है तुमने? चेक वापस क्यों भिजवाया? सॉरी मैडम, लेकिन मुझे अब जरूरत नहीं थी। पैसों की जरूरत किसे नहीं होती सल्लू, तुमने ये हरकत करके मेरा बहुत दिल दुखाया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। जिसकी इज्जत करते हैं उसका एहतराम करते हैं, तो उसकी बात को इस तरह से रद्द नहीं करते, बात मान लेते हैं। मसला तो शादी का था जिसके लिए पैसे की जरूरत थी। मतलब शादी नहीं हो रही क्या? आप नहीं, रजा भाई मान गए और उन्हें मैं जैसा हूँ जिस हाल में हूँ पसंद। सीरियसली रजा इतनी आसानी से मान गए? रजा भाई बहुत बदल गए, अब वो पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि दो वक्त की रूखी सूखी रोटी देकर प्यार मोहब्बत से मेरी बहन को रखो तो यही बहुत होगा मेरे लिए। हाँ तुम और निदा हमेशा खुश रहो, मेरी यही दुआएं तुम लोगों के साथ। सामने को मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।